बैंक ऑफ इंडिया डेवलपर की ब्रांच पर चोरों की नजर। आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद। स्थानीय बैंक ऑफ इंडिया शाखा डेवलपर में एक अज्ञात व्यक्ति बाहरी दीवार में छेद कर बैंक में दाखिल हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में बिना चोरी किए दस्तावेज देखता हुआ नजर आया है। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह चोरी के इरादे से गया था या दस्तावेज चुराने के इरादे से। इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक स्वप्निल कन्नागे ने दी है। आपको बता दें कि संबंध में जानकारी मिली है कि बुधवार को रोज की तरह बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारियों ने शाम को बैंक बंद कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ यह अज्ञात आरोपी रात करीब 1 बजे बाहरी दीवार में छेद कर अंदर घुस गया और पैसे चुराने की बजाय अंदर के दस्तावेज देखने लगा। सुबह जब बैंक के कर्मचारी रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आए तो कुछ कागज अस्त व्यस्त दिखे और पूछताछ करने पर दीवार में 1.5 से 2 फीट का छेद भी दिखा। इसकी जानकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस को भी दी गई। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी ने बैंक का दौरा किया एक पुलिस फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ यहाँ आया। देर रात तक कार्रवाई चल रही थी। देवलापार पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थानेदार राजेश पाटिल के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है। देवलापार से मैं सैयद जावेद रामकुरोती की रिपोर्ट।